अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ट्रेडिशनल स्पेगेटी पास्ता इन पेस्टो सॉस बनाने की रेसिपी। इसके पहले मैंने इटालियन स्पेगेटी पास्ता की ट्रेडिशनल रेसिपी बताई थी, एलोरियो की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए आज हम बनाएंगे स्पेगेटी पास्ता इन पेस्टो सॉस। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैकेट स्पेगेटी पास्ता ले लिया है। इसे मैं खौलते पानी में 10 मिनट पका लूँगी, तो पानी गर्म हो जाए अच्छे से। उसमें मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और इस स्पेगेटी पास्ता को डालकर छोड़ दें। बिल्कुल भी इसे ज़बरदस्ती पानी में डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। थोड़ी देर में जैसे जैसे ये नरम होंगे, ये अपने आप पानी में डूब जाएंगे, और फिर 10 मिनट तक इनको अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेना है। पास्ता अच्छे से पक जाए उसके बाद इसे पानी में से निकाल लें। तो एक आध स्पेगेटी पास्ता आप हाथ में लेकर चेक कर लें, अगर वो अच्छे से पक गए हैं तो इनको मैं पानी में से छान कर निकाल लूँगी। इसके बाद मैं बनाऊँगी पेस्टो सॉस। पेस्टो सॉस बेसिल के पत्तों से बनता है, तो खूब सारा बेसिल के पत्तों को ले लें। यहाँ पर मैंने करीब एक मीडियम बोल बेसिल के पत्तों को ले लिया है। इसके साथ डाल दूँगी 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। यहाँ पर मैं 4 अखरोट यूज़ कर रही हूँ। बादाम ले लिया है करीब मैंने 15 से 20। वैसे तो ये चिलगोज़े के साथ बनाया जाता है, लेकिन चिलगोज़े अगर ना मिले आपको तो इस तरह से आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। चिलगोज़े यानी कि पाइन नट्स भी उनको कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को डाल दें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करीब 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, और नमक स्वाद अनुसार डालकर इसको पीस लेना है। हल्के तीखे फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 3 से 4 काले मिर्च, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। इसे जैतून के तेल से पीसना है, तो थोड़ा थोड़ा करके जैतून का तेल इसमें डालें और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लें। तो एक बार ये अच्छे से पिस जाए उसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी एक बोल में। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जैतून का तेल और डाला। तो अच्छे से पिस लेने के बाद मैंने एक बोल में निकाल लिया है, और यहाँ पर मेरे पास है पार्मेजान चीज़। तो ये ड्राइड पार्मेजान चीज़ है जिसे मैं रखती हूँ। इस तरह की रेसिपीज़ में काफ़ी काम आता है। अगर आसानी से आपको पार्मेजान चीज़ ना मिले तो इस तरह से ड्राइड वाला आप घर में रख सकते हैं, जो कि काफ़ी समय तक चलता है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पार्मेजान चीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमारा पेस्टो सॉस बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने करीब 1/4 कप पार्मेजान चीज़ यूज़ किया है। ये ड्राइड वाला है, इसलिए अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो करीब करीब 1/2 कप पार्मेजान चीज़ डाल दें। स्पेगेटी पास्ता ठंडा हो जाए उसके बाद मैंने उसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लिया है, और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी 1/2 कप के बराबर पेस्टो सॉस। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, तो एक चिमटे की सहायता से अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तो देख सकते हैं आप कितना कलरफुल ब्राइट ग्रीन कलर दिख रहा है ये। ध्यान रखें कि पेस्टो सॉस का अगर हरा रंग आपको वैसे ही बरकरार रखना है तो उस स्पेगेटी पास्ता को ठंडा हो जाने दें, तब आप इसमें डालें। गर्मा गर्म अगर आप डालेंगे तो इसका रंग जो है वो बदल जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सब्जियां पकाकर भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे तो ये जो पास्ता है इसे इसी तरह से परोसा जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्लेवर के लिए इसमें आप थोड़े से पास्ता सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डालकर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास्ता को मैंने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। ऊपर से थोड़े से और पार्मेजान चीज़ से गार्निश कर लूँगी, थोड़े से पास्ता सीजनिंग डाल दूँगी और थोड़े से चिली फ्लेक्स, जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्पेगेटी पास्ता इन पेस्टो सॉस बनके तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।